वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी आज के पेपर के लिए, रिव्यू देखते हैं कि वो बात कुछ बातें डिस्कस करूँगा जिनका कल पेपर है। अभी भी शायद 28, 29, 30 को पेपर था, हाँ, तो मतलब कल भी किसी किसी पोस्ट के लिए कल भी एग्ज़ाम होगा, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आप अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। जैसे कि इंग्लिश, जैसे आज का एग्ज़ाम था, आज के एग्ज़ाम में इंग्लिश आई तो हुई थी पर सिंपल इंग्लिश थी, मतलब मुझे नहीं लगा कि ऐसे कोई टफ इंग्लिश हो। और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड था तो वो भी बेसिक ही था, मतलब जिन्होंने देखो जो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं या अच्छे से टीचिंग कर रहे हैं, वो उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं कह सकते। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अभी मैंने आंसर की डाल दी है, आप आंसर की देख लेना ज़रूर, मैथ्स की आंसर की डाली है और जनरल आंसर की डाली है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ठीक हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितने मार्क्स आपके 100 में से बन रहे हैं। तो बेसिकली जैसे मेरे एग्ज़ाम से पहले मैंने पूछा था, कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था, तो वो भी कह रहे थे कि पेपर ठीक आया हुआ है, मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं आया हुआ, आप एकदम नहीं कह सकते कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था। तो और इसके अलावा बाकी आंसर की डाल दिया मैंने, आंसर की देख लेना। और जिनका कल एग्ज़ाम है वो बेसिक थोड़ा हरियाणा जीके, मतलब बेसिक हरियाणा जीके पढ़ के जाएं, हरियाणा जीके क्वेश्चन थे लेकिन बेसिक थे हरियाणा जीके क्वेश्चन, ज़्यादा डीप नहीं कह सकते। और आपकी जनरल नॉलेज के भी, जनरल अवेयरनेस के 2-3 क्वेश्चन थे उसमें, वो भी ईजी थे और कुछ ऐसा नहीं था कि ये कहा जा सके कि मुश्किल था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। बाकी देखते हैं, कट ऑफ पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी आएगी और इसका क्या रहता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और आपने देखा होगा कि सबसे पहले आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कराई है आज के पेपर की, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इसमें आपका ही बेनिफिट होगा, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ऑथेंटिक सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका ही बेनिफिट होगा इससे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कुछ आंसर के कुछ क्वेश्चंस रह रखे हैं, मैंने आंसर की तो डाल दिए, कुछ क्वेश्चंस रह रखे हैं, इंग्लिश के 2-4 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन रहते हैं और 1-2 क्वेश्चंस तो जो पैडागोजी के होते हैं वो तो कंफ्यूजिंग ही रहते हैं जब तक आंसर की नहीं आती। पर फिर भी जो भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं 2-4 क्वेश्चन, उनकी मैं जल्दी से जल्दी उसकी भी आंसर की डाल दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उनको शेयर कर देना जिन्होंने पेपर दिया है, जो भी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने आपको पता लगा है कि जिन्होंने ये पेपर दिया है आज का, तो आप उनको ज़रूर शेयर कर देना जो मेरी वो वाली वीडियो है, आंसर की वाली वीडियो है, ताकि वो अपने आंसर मैच कर सके या थोड़ा सा आइडिया लग सके। और एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि किसी आंसर में गलती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या जो भी आपके व्यूज़ हों आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर मुझे लगेगा कि ऐसी कोई बात है तो मैं एक नई वीडियो बनाकर उसको चेंज कर लूँगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि डेली बेसिस पर 9:30, 9 to 10 के बीच में एक वीडियो अपलोड करेंगे डेली बेसिस पे, जिस पर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी डेली बेसिस पर, और आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे जॉब है, कैसी जॉब है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो आप उस लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली अपडेशन मिलता रहे, आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े, आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं थैंक यू सो मच, आप मेरे से जुड़े और आगे ऐसे जुड़े रहना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा आपके कोई व्यूज़ हों तो आप मुझे बता सकते हो। और चलो देखते हैं, जैसी भी अब आंसर की ऑफिशियल आंसर की आएगी अब बता देंगे। और काफ़ी सारे बच्चे मिले थे मुझे, मुझे खुद नहीं पता था कि बच्चे मुझे मिलेंगे मेरे ही सेंटर पे जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे पहचाना और वो मेरा पास आके बोले कि सर आपका हमने आपको देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने मेरी वीडियो देखी, तो इट्स गुड कि बच्चे देख रहे हैं, कुछ अच्छा काम हो रहा है, मतलब आपकी ही आपके बेनिफिट की चीज़ हो रही है, बच्चों ने देखी है तो मुझे अच्छा लगा। बच्चे थैंक्स कह रहे थे कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, काफ़ी उनको नॉलेज लगी, सो अच्छा लगा मुझे, सो थैंक यू वेरी मच, आगे इस तरह जुड़े रहिएगा। और अगर जैसी कोई नोटिफिकेशन आता है इसका मैं फटाफट आपको अपडेट कर दूँगा, या कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको जल्दी से जल्दी टाइम टू टाइम बता दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहना और इसको शेयर कर देना जिनका भी एग्ज़ाम हुआ हो, और चैनल पे जाके देख लेना, आंसर की के नाम से मैंने डाल दिया है,
आपको पता लग जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं कल से 9 बजे से वीडियो डालनी स्टार्ट कर दूंगा, 9 से 10 बजे के बीच में वीडियो डालूंगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, 10th से लेकर जो भी ग्रेजुएशन MSc लेवल तक, जो भी मास्टर लेवल तक, जो भी जॉब होगी वो मैं डाल दूंगा, आप अपडेट रहोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो, या कोई अगर आपके सजेशन हो तो वो मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और जिनका कल पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।